एक ऐसा देश जो हिंदू संस्कृति का एक विश्व दुर्लभ रामायण कालीन केंद्र है। एक ऐसा देश यहाँ 1000 उत्तम मंदिरों समेत 20,000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। वो मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है। इस देश में वासुकी एवं तक्षक नाग की प्रतिमा और सुमेरु पर्वत का विशेष महत्व है। यहाँ की प्राचीन हिंदू सभ्यता, संस्कृति और इतिहास, यहाँ 8वीं से 14वीं सदी के संस्कृत व बाली निज भाषा और देवनागरी लिपि के शिल्पलेखों, पांडुलिपियों व ताम्र पत्रों में प्रचुरता के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर के सुदूर पूर्व में स्थित विश्व का सर्वाधिक मंदिर युक्त इंडोनेशियाई द्वीप बाली की। बाली अपने प्राकृतिक सौंदर्य, कला, वास्तुशिल्प, संस्कृति एवं सागर तटीय मनोरम मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस 43 लाख जनसंख्या और 5,780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले द्वीप पर 1,000 से अधिक उत्तम मंदिर हैं। इनके अतिरिक्त 10,000 से अधिक छोटे मंदिरों के साथ यहाँ के देशवासियों के घरों में निर्मित मंदिरों को जोड़ देने पर मंदिरों की संख्या 20,000 से अधिक हो जाती है। एक जागृत ज्वालामुखी युक्त अंगूक पर्वत की, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली एवं वासुकी व तक्षक नाग की प्रतिमाओं का विशेष प्रागैतिहासिक महत्व है। वासुकी नाग समुद्र मंथन में रस्सी बने थे और मथानी बना सुमेरु पर्वत भी बाली के पास जावा में है। वासुकी नाग के नाम पर यहाँ स्थित मंदिर का नाम पूरा बैसाखी है। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया 15वीं सदी तक शैलेंद्र व मजपहित साम्राज्य तक हिंदू बौद्ध प्रधान देश था। 17,000 द्वीपों में इंडोनेशिया के 6,000 द्वीप आवासित हैं। इस्लामी आक्रमणों के दौर में 500 वर्ष पूर्व इंडोनेशिया के अन्य द्वीपों से अनेक हिंदू वे बौद्ध बाली में आकर बस गए थे। बाली सहित इंडोनेशिया की प्राचीन हिंदू सभ्यता, संस्कृति व इतिहास यहाँ 8वीं से 14वीं सदी के संस्कृत व बालीनीज भाषा और देवनागरी लिपि के शिलालेखों, पांडुलिपियों व ताम्र पत्रों में प्रचुरता से है। रामायण कालीन इतिहास। बाली द्वीप का नाम रामायण कालीन किष्किंधा के राजा बाली से संबंधित है। बाली का सूर्योपासन स्थल होने से इस द्वीप के पूर्वी छोर पर प्राचीन महाविशाल सूर्यमंडल स्पष्ट दिखाई देता है। पृथ्वी पर सुदूर पूर्व में स्थित इस द्वीप से सर्वप्रथम सूर्य दर्शन होने से बाली यहीं पर अपने आराध्य सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित करता था। तीर्थ गंगा उपाख्य तीर्थ गंगा नदी के पूर्व में ये सूर्य मंडल बाली द्वीप के पूर्व में स्थित है। यहीं पर युद्ध की चुनौती देने पर रावण को बाली द्वारा अपनी बगल या कांख में दबाकर पूजा पूरी करने का वाल्मीकि रामायण व तुलसीकृत रामचरितमानस में संदर्भ है। हिंदुत्व प्रधान संस्कृति व काल गणना। पिछले 4000 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास बाली व समग्र इंडोनेशिया से प्राप्त प्राचीन पांडुलिपियों, ताम्र पत्रों व शिलालेखों में संकलित है। हजारों प्राचीन पांडुलिपियों के अतिरिक्त बाली में 4000 वर्ष पुराने पाषाण के औजार व अन्य पुरावशेष भी निकले हैं। इंडोनेशियाई पांडुलिपियों में 33,000 तो इंडोनेशिया के संग्रहालयों में सूचीबद्ध हैं। इंडोनेशियाई पांडुलिपियां 17,000 नीदरलैंड, 1200 इंग्लैंड में और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, पुर्तगाल, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर व दक्षिण अफ्रीका तक में और भी बड़ी संख्या में हैं। बाली में हिंदुओं के पशुपत, भैरव, शिव सिद्धांत, वैष्णव, बौद्ध, ब्रह्मा, ऋषि, सौर एवं गणपत्य संप्रदाय आज भी हैं। भारतीय शक संवत युक्त शिलालेख व ताम्रपट 817 शक संवत 896 ईस्वी से उपलब्ध हैं। हिंदू राजा केसरी वर्मन देव का बेलमजोंग स्तंभम का शिलालेख फागुन सप्तमी 835 शक संवत का है, जिसकी तिथि 14 फरवरी 914 निकलती है। इस प्रकार बाली एक विश्व दुर्लभ रामायण कालीन हिंदू संस्कृति का केंद्र है। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीपों में जावा का यवद्वीप व सुमात्रा का स्वर्ण द्वीप के रूप में वर्णन है। आज भी सुमात्रा विश्व 6 प्रमुख स्वर्ण उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। बाली द्वीप पर 60 से 80 लाख पर्यटक आते हैं।